देखो बच्चों, कक्षा 12 समाजशास्त्र पाठ 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। जो भारतीय समाज है उसमें जनसांख्यिकीय संरचना का मतलब है व्यक्तियों का लेखा जोखा, उनकी गणना। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि जनसांख्यिकी, जनसंख्या, इसको एक शब्द और जननांकी के नाम से भी जाना जाता है। जननांकी, जननांकी, इसमें इसका क्या अर्थ होता है? जननांकी का अर्थ देखिए, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है डीमॉस। डीमॉस, डीमॉस मतलब मनुष्य, डीमॉस का मतलब होता है मनुष्य। जो ग्रीक शब्द का दूसरा भाग शब्द है ग्राफो, ग्राफो यानी, ग्राफो का मीन्स होता है गणना, यानी मनुष्य की जो गणना होती है वह जननांकी के अंतर्गत होती है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है डीमॉस प्लस ग्राफो। इस तरह से देखा जाए भारतीय समाज में जो जनगणना का कार्य है, जो जनगणना प्रारंभ हुई है, उससे संबंधित चीज़ें हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल से प्रारंभ हुई है। लॉर्ड मेयो भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने सबसे पहले देश की जनसंख्या क्या है इसकी गणना करवाई। उसके बाद 1872 के बाद 1881 में एक नियमित जनगणना प्रारंभ की गई और 1951 से भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराई जा रही है। जो पिछली जनगणना है वह 2011 में कराई गई थी। अगली जनगणना के लिए 2021 घोषित किया गया है। तो इस पर विस्तार रूप से देखा जाए तो जो गुलियार्ड थे उन्हें इसका पितामह कहा जाता है, पिता कहा जाता है। गुलियार्ड को इसका पिता कहा जाता है। इन्होंने 1855 में एक बुक लिखी थी जो इसी पर आधारित है। इसमें ये फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने जो भी इस पर गणना करके बताया वो अक्षरशः सत्य रही है। इसमें सहयोग दिया माल्थस ने। माल्थस जनसंख्या को बहुत ही अच्छे ढंग से परिभाषित किया, कई देशों की गणना करके उसका रिजल्ट निकाल करके उसके बाद इस पर अपना उन्होंने वक्तव्य दिया। वह वक्तव्य क्या है, इनका एक स्टेटमेंट है, माल्थस का एक स्टेटमेंट है कि जो व्यक्ति बिना बुलावे के आएगा इस रंगमंच पर, अगर कोई अतिथि बिना बुलावे के आ जाएगा तो उसे भूखों मरना पड़ेगा। यानी इन्होंने कहा है
कि ये प्रकृति की जो रंगमंच है, प्रकृति का जो रंगमंच है, ये एक ऐसा रंगमंच है कि जो बिना बुलावे आएगा उसे भूखों मरना पड़ेगा। ये जो रंगमंच है सीमित अतिथियों के लिए है। तो इन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया उस आधार पर इन्होंने कुछ सिद्धांत बताए हैं। इनका सिद्धांत क्या है? इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जनसंख्या और उत्पादन में अंतर क्या होता है। इनकी जो जनसंख्या है वह ज्यामितीय क्रम से बढ़ती है। ज्यामितीय क्रम क्या है? ज्यामितीय क्रम ज्यामितीय क्रम 1, 2, 4, 8 और 16 इस क्रम में बताया है। यानी जो जनसंख्या बढ़ती है वो ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है, लेकिन जो खाद्य सामग्री है वह गणितीय अनुपात में पड़ती है। वो क्या है? 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरह से इन्होंने 5 वर्षों का लेखा जोखा किया है। 5 वर्षों का लेखा जोखा में अगर देखा जाए तो दोनों में अंतर क्या है? अगर 16 में 5 घटा दिया जाए तो 11 होता है। ये 11 का अंतर आ रहा है। यानी उत्पादन हमारा 11 कम है, लेकिन जो जनसंख्या है वह बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, तो दोनों में असंतुलन पैदा हो जा रहा है। इन्होंने जो ये रेशियो बताया है वो यहाँ की जलवायु, यहाँ की परंपरा, यहाँ का जो सिस्टम है उस अनुपात को लगा करके इसका इस सिद्धांत को बनाया है। इन्होंने पहले बताया लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात क्या होता है समझ लीजिए उसको। लिंगानुपात का मतलब है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। यानी 1000 पुरुषों में कितने लोगों का विवाह होता है, जितने लोगों का विवाह होता है वहीं लिंगानुपात है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। अगर देखा जाए तो लिंगानुपात कम है। 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाओं का होना अति आवश्यक है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। जो जनगणना के हिसाब से बताया गया है 1000 पुरुषों पर मात्र 940 महिलाएं हैं, यानी 60 महिलाएं कम हैं। भारत सरकार ने एक इसी अनुपात को देखते हुए एक नारा भी दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो भारत का लिंगानुपात हो उसको बराबर करने के लिए यह एक स्लोगन दिया गया सरकार की तरफ से। कुछ ना कुछ तो प्रभाव उसका पड़ा ही है। तो ये तो आने वाला जो 2011 की जनगणना की रिपोर्ट है उस पर डिपेंड करता है कि वास्तव में इस पर कितना बदलाव आया है। तो लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। जन्म दर किसे कहते हैं? जन्म दर का मतलब 1000 बच्चों पर एक वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या जो होती है वह मृत्यु दर कहलाती है। मृत्यु दर यानी 1000 बच्चों पर एक वर्ष के भीतर मरने वाले बच्चों की संख्या वह मृत्यु दर कहलाती है। इसमें और भी कई चीज़ें हैं, जैसे मातृत्व दर। ये मातृत्व दर क्या है? इसमें
एक वर्ष में 1000 जो प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाएं मर जाती हैं वह प्रसवा मृत्यु दर कहलाती है। यहाँ जो अनुपात बताया गया है उस अनुपात के हिसाब से काफ़ी अंतर है। भारत में अगर देखा जाए तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा केरल का है। वहाँ पर क्या लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों पर 1058 महिलाएं हैं। ये जो सिस्टम है, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर लिंगानुपात में काफ़ी अंतर है। केरल को छोड़ करके पूरे देश में लिंगानुपात कम है। यहाँ लिंगानुपात को बराबर करने के लिए सरकार ने कई सिस्टम अप्लाई किया है, लेकिन भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या 102 अरब को पार कर गई है। चीन की जनसंख्या हमसे ज़्यादा है। भारत का जो क्षेत्रफल है, चाइना का जो क्षेत्रफल है, वह जो है हमसे 3 गुना बड़ा है। चाइना का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना बड़ा है, वहाँ की जनसंख्या भी बड़ी है। दूसरे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या दूसरे नंबर पर आती है। अगर देखा जाए वास्तव में भारत की प्रजनन दर बहुत ज़्यादा है। इसमें जितनी ब्राज़ील की जनसंख्या है, ब्राज़ील अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो 5वें स्थान पर आता है, भारत 7वें स्थान पर आता है। भारत प्रत्येक वर्ष एक ब्राज़ील अपने देश में जोड़ रहा है। यानी ब्राज़ील की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या एक वर्ष में उतनी बढ़ रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो 25 वर्ष में भारत की जनगणना 2 गुनी हो जा रही है। यानी भारत में एक ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ जाता है। तो इस तरह से 25 वर्षों में भारत की जनसंख्या 2 गुनी हो जाती है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ पर महिलाओं को मनोरंजन का साधन समझा जाता है। यहाँ भारत एक ऐसा देश है, एक राइटर ने कहा है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भिखारी भी विवाह करते हैं। विवाह की अनिवार्यता जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है। यहाँ की जलवायु इस तरह से है कि जो बच्चे बच्चियाँ हैं कम उम्र में ही ये बच्चे पैदा करने के लिए सक्षम हैं। ये यहाँ की जलवायु पर डिपेंड करता है, खान पान पर डिपेंड करता है, रहन सहन पर डिपेंड करता है। भारत की जो परंपरा रही है वह वसुधैव कुटुंबकम की रही है। भारत एक ऐसा देश है यह वसुधैव कुटुंबकम पर ज़्यादा विश्वास करता है। तो भारत की जनसंख्या में अगर देखा जाए तो कभी कभी मंदी का दौर भी रहा है। 1921-22 के आसपास भारत की जनसंख्या में बहुत बड़ी गिरावट आ गई थी। इसमें अकाल महामारी जैसे भयानक रोग इस कदर बढ़ गए थे कि जो भारत का उत्पादन यानी बच्चों का जो प्रोडक्शन था वह काफ़ी माइनस में चला गया और जनसंख्या में ह्रास हो गया। इस तरह से भारत की जनसंख्या 1950 के बाद पुनः प्रोग्रेस किया, जनसंख्या बढ़ी और वर्तमान की जो जनसंख्या है वह चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आती है। तो यहाँ देखिए, हमने बताया कि जनसंख्या बढ़ने का कारण है कम उम्र में ही व्यक्तियों का विवाह, लोगों का विवाह। यानी भारत एक ऐसा देश है यहाँ पर बाल विवाह भी देखने को मिले हैं। यहाँ की परंपरा कुछ हट करके रही है। वैदिक काल में देखा जाए
तो यहाँ पर तो विवाह के लिए इतना अनिवार्य कर दिया गया था कि जितनी भी कम उम्र में किसी बच्ची का विवाह कर दिया जाए उतना ही बड़ा फल प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर कन्याओं को कैटेगरी में बांट दिया गया था। अगर कोई व्यक्ति 8 वर्ष की उम्र में अपनी कन्या का विवाह करता था तो वह गौरी कहलाती थी। जिस भी लड़की का विवाह, जिस भी बच्ची का विवाह 8 वर्ष की उम्र में कर दिया गया वह गौरी कहलाती थी। 9 वर्ष की उम्र में जिस बच्ची का विवाह होता था उसे रोहिणी का दर्जा दिया गया और इसके पश्चात वह रजस्वला हो जाती थी। रजस्वला का तात्पर्य है जब लड़की का मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता था तो वह रजस्वला कहलाती थी। यानी इस भी उम्र में जो व्यक्ति, जो पिता अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पाता था तो वह रजस्वला कहलाती थी। इसका जो प्रायश्चित होता था वह उसका पिता प्रत्येक माह उस कन्या का रुधिर पीने का दोषी पाया जाता था। यह परंपरा रही है भारत की। तो बाल विवाह में भारत बहुत आगे रहा है, लेकिन मुगलों के आक्रमण, विदेशियों के आक्रमण की वजह से ये लोग अपनी कन्याओं का विवाह कम उम्र में ही कर देना अच्छा समझते थे। धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ। भारत सरकार ने एक कानून पारित कर दिया, उसने एक कानून बना दिया 1856 में। इसमें कानून बना दिया कि जिस भी कन्या का विवाह 18 वर्ष की उम्र में होना चाहिए, लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन वर्तमान में कितना फॉलो हो रहा है इसको आप सब स्वयं देख रहे हैं। इसी को ध्यान में देते हुए सरकार ने 1961 में एक और कानून बनाया, दहेज निरोधक अधिनियम। इसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति दहेज लेता हुआ और देता हुआ पकड़ा जाता है तो दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन कितना फॉलो हो रहा है इस कानून का आप स्वयं समाज में देख रहे हैं। बिना दहेज के क्या कोई शादियां हो रही है? शायद नहीं हो रही है। इन सब को देखते हुए सरकार ने 1954 में एक विशेष अधिनियम लाया, उसका नाम दिया विशेष विवाह अधिनियम। यानी इंटरकास्ट मैरिज को भी इन्होंने मान्यता प्रदान कर दी। जो बहिर्जाति विवाह हुआ करते थे उसको भी इन्होंने मान्यता प्रदान कर दी। बहिर्विवाह का मतलब है जब कोई व्यक्ति अपने समाज से बाहर किसी दूसरे समाज से कन्या का विवाह करता था या कन्या से विवाह करता था तो वह विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत आता था, जिसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। तो भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या का मूल कारण यही सब है, जिसको माल्थस ने बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया है। और वर्तमान में भारत की जनसंख्या में जो अंतर है वह स्वयं से देखा जा सकता है। भारत में लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि कृषि में कितने समय तक कार्य में लगे रहना पड़ता है वह सब जानते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए भारत में जो जनसंख्या का प्रोडक्शन है, जो जनसंख्या का उत्पादन है, वह किस हिसाब से बढ़ रही है, जिसका मूल कारण यही सब है। हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको देखते हुए, वैसे भी भारत एक धर्म प्रधान देश है, यहाँ धर्म को विशेष महत्व दिया जाता है। तो आज आपको सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है। अगले टर्न पर इसमें का शेष टॉपिक आपको बताया जाएगा। जो कहीं भी बातें ना समझ में आती हों उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, विद्यालय आ करके
परामर्श ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बस आज इतना ही, धन्यवाद।